हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद के बारे में आई गेस आप लोगों को 16 जनपद याद हो गए होंगे, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किए थे समझ में आ गया होगा और चीजें कुछ कुछ ही तो याद हो ही गई होंगी। देखिये, हिस्ट्री के लिए एक सजेशन है, जिस दिन भी जो भी चीज आप कंप्लीट करिए उसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, मतलब कि उसको याद कर डालिए पूरा। अदरवाइज जब हिस्ट्री कंपाइल हो जाती है तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगी याद कर पाना बाद में। और कितना भी आपको हिस्ट्री अच्छा लगे बुरा लगे डजंट मैटर, आपको उस दिन का उस दिन ही खत्म करना है, बिकॉज देयर इज नो, यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पर कोई साइंस नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया, चाहे हिस्ट्री, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, वहां पर आपके पास कंसेप्ट्स होते हैं। वंस यू गेट द कंसेप्ट, ऑब्वियसली आपको उतना ज्यादा रिवाइज करने की, रिपीटेड रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट यहां पर आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राइज ऑफ मगध। हालांकि राइज ऑफ मगध के बारे में और हम लोगों ने कल भी कुछ देखा था, तो इसी चीज को आज हम लोग और डिटेल्ड वर्जन में देखेंगे। देखेंगे आखिर में क्यों मगध ही आगे बढ़ा, क्यों नहीं कौशल या कुरु, पांचाल, अवंती या बाकी के जितने भी जनपद थे वो आगे क्यों नहीं बढ़े, वाय, व्हाट इज सो स्पेशल विद द मगध, देखेंगे क्या कुछ है। फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्लम्स स्पेशल, मेन्स स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। तो राइज ऑफ मगध के बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे एंड देन वी विल लुक कि एक्चुअली व्हाट इज सो स्पेशियलिटी विद द मगध कि ये एक्सपैंड हुआ इतना ज्यादा बड़ा क्यों हो गया। तो फटाफट देखते हैं एडवांटेज, ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे, बाकी एलुवियल सॉइल्स वगैरह थी और टाउन्स और मेटालिक जो भी मनीज वगैरह थे उससे जो है ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गया। बाकी इसके अलावा एलिफेंट्स भी इनकी पूरे के पूरे सिस्टम में थे। तो ये हो गई इसकी ओवरऑल मतलब एक सरफेशियल। अब जरा डिटेल्ड वर्जन में देखते हैं कि व्हाट वाज द ज्योग्राफिकल रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ मगध। तो देखिए, अगर मगध के बारे में आप देखेंगे तो मगध एक साइड में, जैसे ये है, मान लेते हैं कि मगध है, मगध एक साइड यहां पर जो है वो अंग थी, ठीक है, नहीं ऊपर जो है वज्जी थी एंड यहाँ पर जो है कौशल कुरु और ये सब बाकी के टेरिटरीज हो जाती थी। मगध के ऊपर में नॉर्थ में गंगा नदी थी, साउथ मतलब कि ईस्ट में रिवर जो जा रही थी वो सोन रिवर थी, इस साइड में चंपा रिवर, यहां पर देखिए चंपा रिवर जा रही थी, दिस इज चंपा, एंड देन साउथ में पहाड़ियां थी। तो यहां पर जो है बेसिकली माउंटेन्स या फिर बोल सकते हैं आपकी यहां पर हिल रेंजेस थे और इससे एक देख सकते हैं कि इसको चारों ओर से ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शन मिलके रखा हुआ है। इनफैक्ट मगध ने आगे जाकर के जब अंग को जीत भी लिया तो उसके बाद से फिर से प्रोटेक्शन रह गया चंपा रिवर का। देन यहां पर आप देख सकते हैं कि गंगा, देन सोन, देन चंपा, मतलब चारों ओर से ज्योग्राफी नेचर जो है इनकी सहायता कर रहा है, नेचर इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यहां से आप एक कंक्लूड कर सकते हैं दिस हैज सम ज्योग्राफिकल बेनिफिट, जिसके कारण से इनकी जो टेरिटरी है वो काफी ज्यादा सेफ थी। तो मगध वॉज द टेरिटरी ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द गैंगेटिक वैली, इट वॉज लोकेटेड ऑन द मेनलैंड रूट बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया, द लैंड वॉज फर्टाइल सॉइल, जो कि हाई रेनफॉल, मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बिहार का रीजन है और बिहार में अगर मानसून भी हम लोगों ने देख रखा है तो मानसून के कारण से भी यहां पर अच्छी खासी रेनफॉल होती है और इस रेनफॉल के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर वाइज अगर बात करें तो काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट लैंड होगा। तो एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली उस समय के लिए तो एग्रीकल्चर ही सर्वे सर्वा था, सब कुछ ही एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करा रही थी, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव अ बेनिफिट टू द मगध। तो मगध वॉज इंसर्कल्ड बाय द थ्री रिवर्स, वन इज रिवर गंगा, फिर सोन, फिर चंपा, मेकिंग द रीजन इम्प्रेग्नेबल टू द एनिमीज। इसके अलावा राजगीर और पाटलिपुत्र इसकी दो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थी जो कि इसको अगेन ज्योग्राफिकल बेनिफिट दे रही थी और बाकी हम लोगों ने तो बात कर ही लिया कि इसकी माउंटेन्स और चारों ओर से ये घिरा हुआ था। तो इस तरीके से अगर कोई आर्मी अटैक भी करती थी तो उनको वेट करना पड़ता था और वो वेटिंग पीरियड में यहां पर मगध वाले अपने आप को प्रिपेयर कर लेते थे, अपनी जो भी सेना, अपनी जो भी आर्मी बनानी होती थी वो बना लेते थे।
तो ये हुई ज्योग्राफिकल रीजन। इकोनॉमिक रीजन के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए ये जो इलाका अब आता है छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास, छोटा नागपुर प्लेटू, और आपको पता है अगेन छोटा नागपुर प्लेटू इज द रिजर्वायर ऑफ व्हाट, दिस इज रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, मतलब यहां पर जितना ज्यादा आयरन, जितना ज्यादा कह लीजिए कि कॉपर पाया जाता है वो कहीं पर नहीं पाया जाता है। और इस समय आपको पता है कि आयरन की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि आयरन से ही वेपन्स बनाए जाते थे। तो इस तरीके से आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इन दोनों को मिला करके जहां पर रिच रिसोर्स पाए जाएंगे ऑब्वियसली वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो भी एम्परर है, वहां का जो भी साम्राज्य है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस वजह से ये इकोनॉमिकल रीजन भी अगेन यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि मगध को आगे बढ़ाने में काफी सहायता की है। देखिए हर एक जगह का राजा अच्छा होता है, हर एक जगह का राजा स्ट्रांग होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट पा जाता है उसी को इस तरीके की राइज, इस तरीके का अपलिफ्ट मिल पाता है। तो अगेन ये जो कह लीजिए कि इनडायरेक्ट वेज है वो राज्य को, जो भी स्टेट है, जो एम्पायर, उसको काफी ज्यादा एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मगध हैड कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, इट कुड इजिली कंट्रोल ट्रेड। अब देखिए ये है ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में, और इसने अंग को भी जीत लिया, अंग को भी अटैक करके जीत लिया था। और इस तरीके से इसके पास में टेरिटरी वाइज बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की पूरी टेरिटरी आ गई थी। अब जितने भी ट्रेड करने हैं, चाहे वो साउथ से करना हो, चाहे साउथ ईस्ट से करना हो, अब ये काफी ज्यादा फ्री हो चुका है क्योंकि अब इसके पास में रिवर की पावर है। इस रिवर के पावर के थ्रू ये लोग ट्रेड कर सकते थे अपने नाव के जरिए या फिर जिस भी जरिए भेजना है इनको, ये अपने सामान भेज करके अल्टीमेटली ट्रेड अपना बढ़ा लेते थे। तो जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल एंड द रूरलिटी एंड द मास्टरी ओवर गंगा मीन इकोनॉमिक हेजमनी, इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड इन नॉर्थ इंडिया, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया हुआ है। विद द एनेक्सेशन ऑफ अंग बाय बिंबिसार, रिवर चंपा वॉज एडेड टू द मगध एम्पायर। और इस तरीके से चंपा अगेन एन इंपॉर्टेंट रिवर फॉर साउथ ईस्ट ट्रेड, श्रीलंका से, साउथ इंडिया से भी ट्रेड होना अब शुरू हो गया था। अब जरा कुछ कल्चरल रीजन के बारे में भी बात कर लिया जाए। देखिए अभी तक जितने भी एरियाज थे, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न साइड के एरियाज, वेस्टर्न साइड के एरियाज में जैसे महाभारत के टाइम से अगर आप देखेंगे तो वहां पर थ्रोन के लिए बेसिकली वॉर हो रही थी, तो इट वॉज द वॉर ऑन द थ्रोन। बट यहां पर जो सबसे ज्यादा फैला हुआ चीज था वो था ब्राह्मणिज्म। तो इस ब्राह्मणिज्म के कारण से सोसाइटी काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो चुकी थी। बट यहां पर मगध में क्या हुआ कि लोग अब पढ़ पढ़ करके आना शुरू कर दिए। इनफैक्ट यहां पर जितने भी थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाए या फिर हर्यक वंश के लोग हो जाए या फिर आपके चाणक्य हो जाए, ये सारे लोग बेसिकली अच्छे खासे एजुकेटेड लोग थे। मतलब कि ये लोग तक्षशिला से पढ़ के आते थे और इस तरीके से ये लोग काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्सिटी, जितनी भी चीजें उसको साइड वाइज कर देते थे और जितनी भी चीजें हैं उसको अपने फेवर में करने के लिए चीजों को लगा लेते थे। तो इस तरीके से अगेन यहाँ पर एक काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि ये एक अनबाउंडेड सोसाइटी थी, या कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा एक अवेयर्ड सोसाइटी थी, जिसके कारण से अगेन इस मगध को राइज करने के लिए काफी कुछ एक पॉइंट्स मिल गए थे। तो मगध सोसाइटी हैड अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर, इट हैड गुड मिक्स ऑफ आर्यन एज वेल एज नॉन आर्यन पीपल, इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म लेड टू अ रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी एंड थॉट, दे एनहांस्ड लिबरल ट्रेडिशन। सोसाइटी वॉज नॉट सो मच डोमिनेटेड बाई ब्राह्मण्स, अगेन वही चीज कि यहाँ पर लोअर क्लास से भी लोग आ गए थे। जैसे इनफैक्ट कहा जाता है कि इसमें जो एम्परर्स हुए थे, एक तो जो एम्परर हैं इस हर्यक डायनेस्टी के, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, वो सारे अपने फादर को मारे थे, पितृहंता बोला जाता है, किलर्स ऑफ देयर फादर्स बोला जाता है, और इस तरीके से वो राजा बन रहे होते थे। लेकिन अगेन यहाँ पर चाहे वो शिशुनाग डायनेस्टी हो, चाहे नंद डायनेस्टी हो, इनफैक्ट ये जितनी भी डायनेस्टीज आ रही है और जितने भी एम्परर्स आ रहे हैं, ये शूद्र के कह लीजिए कि बेटे हुआ करते थे या शूद्र की ये संतान हुआ करती थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो सोसाइटी वॉज बेसिकली अ मिक्स्ड सोसाइटी एंड रिलीजन का यहाँ पर एक एक कह लीजिए कि राइज देखने को मिल गया था बुद्धिज्म और जैनिज्म का, जो कि अगेन अ स्टेप फॉर अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, ये सारे के सारे रिलीजन निकल करके आए हुए थे।
कुछ पॉलिटिकल रीजन भी है, फटाफट उसके बारे में देख लेते हैं. मगध वॉज लकी टू हैव मेनी पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स. तो एक तरीके से भाई एक्स्ट्रा लकी वाला फैक्टर ही है कि यहाँ के जो भी लोग हुए वो काफी ज्यादा स्ट्रांग लोग थे. एंड दे हैड स्ट्रांग आर्मीज ऑल्सो. अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन अगेन मेड देम टू डेवलप न्यू वेपनरी, एडवांस वेपनरी. इसके अलावा ये लोग जो है एलिफेंट को भी रखा करते थे. एलिफेंट का नाम जब भी आए आपके लिए एक मतलब समझ लीजिए कि सिस्टम है कि आपको हिस्ट्री में जब भी एलिफेंट का नाम आए तो आपको कलिंग का नाम याद रखना चाहिए. तो कलिंग डायनेस्टी हम लोग आगे देखेंगे भी. खारविल के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस करने को है. फटाफट चीजों को देखेंगे आगे. द मेजर किंग ऑल्सो डेवलप्ड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. नाउ द मेन थिंग कम्स हियर, राइज ऑफ मगध. कि राइज ऑफ मगध क्या चीज है. मगध के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप लोग ले लीजिए कि मगध का जो नाम है वो हमें वेदों में भी मिलता है, वेदास में भी मिलता है. इनफैक्ट ऋग्वेद में मगध का नाम कीकट के नाम से मिलता है. दिस इज कीकट. कीकट के नाम से मगध का नाम मिलता है. और यहां पर मतलब एक प्रमगंध राजा था. राजा का नाम था प्रमगंध. और ये राज कर रहा होता था. नॉट एज सच इंपॉर्टेंट. ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद में भी इसका कह लीजिए कि नाम मिलता है. और यहां पर यजुर्वेद में मगध को ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है. मतलब यहां पर कई सारे ट्राइबल्स रह रहे हैं और इसी के बेसिस पे इसका नाम जाना जाता है. अथर्ववेद में भी इसका नाम लिया गया है. इनफैक्ट ब्लैक मैजिक के लिए कहा गया है कि जितनी भी चीजें हैं वो मगध को जाए, मतलब ऑल द कर्सेस शुड गो टू द मगध. तो इस तरीके से मगध को वहां पर जो है एक कह लीजिए कि श्राप दिया गया है. तो ये हो जाती है मगध के बारे में कहानी. राइज ऑफ मगध के बारे में आगे बढ़े तो देखिए यहां पर मौर्य मगध वाज रूल्ड बाय थ्री मेन डायनेस्टीज. वन वाज हर्यक डायनेस्टी हुआ करती थी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी थी, एंड देन अल्टीमेटली नंद डायनेस्टी आती है. इस नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहता है जिसका नाम रहता है घनानंद. घनानंद को मार करके अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य आता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अल्टीमेटली मौर्य डायनेस्टी लेकर के आता है. बट इसी नंद वंश के ही शासन में, इसी नंद डायनेस्टी में 325 बीसी में अलेक्जेंडर का अटैक होता है. तो हम लोग अलेक्जेंडर का अटैक भी देखेंगे, सिकंदर का अटैक देखेंगे, कैसे वो आता है और वेस्टर्न अटैक यहां से स्टार्ट हो जाता है इंडिया में. तो इस वेस्टर्न अटैक में बहुत सारे लोग आते हैं. जैसे सबसे पहले तो सिकंदर ही आता है, सिकंदर के बाद शक आते हैं, हूण आते हैं, फिर उसके बाद से कुशंस आते हैं. बहुत सारे लोग आने वाले हैं टाइम के साथ मौर्य डायनेस्टी में, गुप्त डायनेस्टी में, आगे बहुत सारे डायनेस्टीज में आएंगे. बट स्टार्ट करता है ये सिकंदर. तो हम लोग देखेंगे सिकंदर के भी बारे में और बाकी के जितने भी वेस्टर्न अटैक्स हुए हैं उनके बारे में. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मगध के बारे में. मगध में 6 to 4 BC में मगध जो था इट वॉज प्रेजेंट ए बिहार बिकम मोस्ट पावरफुल महाजनपद. यहां पर सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है वो आती है बिंबिसार. बिंबिसार का मतलब हर्यक डायनेस्टी आती है और उसमें बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. एक है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु और तीसरा है उदयन. बिंबिसार का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 552-493 BC है. अजातशत्रु का 492-460 BC है और उदयन का 460-444 BC है. अच्छा, अजातशत्रु में एक चीज इंपॉर्टेंट है, 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है. तो ऑब्वियसली बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाएगा, ये करवाएगा अजातशत्रु. तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाएगी. हालांकि हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल एंड ऑल दैट जब हम लोग बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे तो और डिटेल्ड वर्जन में करेंगे. बट यहां पर आप जो होता है एक आइडिया लेते चलिए ताकि बाद में जब चीजें कनेक्ट हो रही होती हैं तो काफी एक कंफर्ट फील होता है. एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिंबिसार से पहले एक और डायनेस्टी, मतलब कि इस हर्यक डायनेस्टी से पहले एक और डायनेस्टी के बारे में बुक्स में मिलता है और वो डायनेस्टी बोली जाती है बृहद्रथ डायनेस्टी. दिस इज बृहद्रथ डायनेस्टी. और इसी बृहद्रथ डायनेस्टी के कारण से मगध का नाम कई जगहों पर हमें बृहद्रथपुर भी मिलता है. बृहद्रथ डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है एक्चुअली ये महाभारत पीरियड का है. दिस इज महाभारत पीरियड. इसमें होता क्या है, महाभारत पीरियड के दौरान में सबसे पहला जो रूलर होता है उसका नाम रहता है वसु. इस वसु के नाम पे अगेन मगध का नाम वसुमति पड़ा रहता है. दिस इज वसुमति. इस वसु के बाद में अगला जो रूलर आता है उसका नाम रहता है बृहद्रथ. बृहद्रथ और ऐसा माना जाता है कि बृहद्रथ वॉज द मेन रूलर हियर. बृहद्रथ के बाद अगला जो राजा आता है उसका नाम आता है जरासंध. जरासंध
और ये वही जरासंध है जिसको कि भीम ने मारा था, भीम जी ने मारा था। और इसके अगेन जो है पुराणों में इसको मिलता है, पुराणास में इसकी पूरा एक्सप्लेन फॉर्मेट में चीजें मिल रही होती हैं। इस जरासंध के बाद और सही कई सारे रूलर्स आते हैं और लास्ट रूलर जो आता है उसका नाम रहता है रिपुंजय। दिस इज रिपुंजय, ठीक है। इस पूरे डायनेस्टी के बारे में पुराणों में हमें चीजें मिलती हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज हुई। अल्टीमेटली जो रिपुंजय होता है उसको मार दिया जाता है बिंबिसार के द्वारा, और बिंबिसार अल्टीमेटली जो है हर्यक डायनेस्टी लेकर के आता है। अच्छा, पुराण्स के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि वी हैव टोटल 18 पुराण्स, और पुराण्स में क्या है बेसिकली स्टोरीज हैं, कई सारी स्टोरीज हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो छोटे मोटे चीजों के बारे में बात करें तो वंश एक पुराण है, वंशावली एक पुराण है, इसी तरीके से बहुत सारे हैं पुराण्स हैं। नॉट इज इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट है सच नहीं है, बट हाँ नंबर के बारे में याद रखिएगा, नंबर इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है कि आपसे मैच द फॉलोइंग या किसी तरीके से नॉलेज आपकी टेस्ट की जाए। पुराण्स के बारे में बस जानते रहिए, 18 पुराण्स है और इसमें स्टोरीज लिखी गई हैं अलग अलग तरीके से, ऋषियों की लिखी गई है, महर्षियों की लिखी गई है, राजाओं की लिखी गई है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा गया है। तो इस तरीके से बिंबिसार साहब आ जाते हैं रिपुंजय को मार करके, और इस तरीके से एक बृहद्रथ डायनेस्टी भी चली रहती है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली क्या है कि ये सारी जितनी भी हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इनके फैक्ट्स और जितने भी फिगर्स हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं। अगेन ये जो है अलग अलग बुक से, अलग अलग चीजों से निकाल करके तब चीजों को कनेक्ट किया गया है, तो इस वजह से समटाइम्स जो है यहाँ पर डिसलिंकेज भी मिलती है, और कई बार अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट देखने को मिलता है। जैसे एक छोटा सा कंटेंट और मैं बता देता हूँ, जैसे बिंबिसार को बोला जाता है कि हर्यक वंश की इसने जो है, मतलब हर्यक डायनेस्टी की इसने शुरुआत की थी, ही इज द कह लीजिए कि जो होता है एस्टैब्लिशर ऑफ दिस हर्यक डायनेस्टी। लेकिन कई जगहों पर बोला जाता है, मतलब एक आध बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि इसका जो फादर था उसने 15 ईयर्स में इसका कोरोनेशन किया है। अब कोरोनेशन किया इसका मतलब क्या है? कोरोनेशन का मतलब यह है कि ही इज नॉट एग्जैक्टली द एस्टैब्लिशर कोई और है, और फिर बाद में जो है इसका कोरोनेशन किया गया, इसका राज्याभिषेक किया गया। बट अगेन आपको एनसीईआरटी में बिंबिसार को ही एस्टैब्लिशर बोला गया है, इस वजह से आप एस्टैब्लिशर संस्थापक के रूप में इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा बिंबिसार के बारे में बात करते हैं। तो बिंबिसार में यहां पर देखिए यह है बेसिकली मगध। हम लोग पूरा मैप के जरिए पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यह है मगध, यहां पर है वज्जी, यहां पर है अंग, दिस इज अंग, भागलपुर मुंगेर का इलाका ये हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहां पर जो है अवंती हुआ करती है, एंड दिस यहां पर अश्मक हो जाता था, और फिर अल्टीमेटली यहां पर मत्स्य हो जाती है, दिस इज मल्ल यहां पर हो जाता था, यहां पर मत्स्य हो जाती थी। तो आप लोगों को डायनेस्टीज पता होंगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए खैर, यहां पर कुरु थी, दिस इज कुरु, यहां पर कौशल, दिस इज कौशल, ठीक है। अच्छा, मगध के बारे में अगर बात किया जाए बिंबिसार में, तो ये जो है शादियां कर करके ये अपने आसपास जो है एक अलायंस बना करके रखा हुआ था। जैसे इसने चार शादियां की थी, हालांकि यहां पर तीन लिखा हुआ है, बट इसने टोटल चार शादियां की हुई थी। इन चार शादियों में कौन कौन सी शादी थी? एक किया हुआ था इसने सबसे पहले वज्जी से, इसके अलावा वज्जी के अलावा और भी वज्जी में वन बाई वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो शादी इसने की थी वो लिच्छवियों के साथ की थी, लिच्छवी, और ये लिच्छवी के साथ में यहां पर जो कह लीजिए राजा था उसका नाम क्या था ना, इसका नाम था चेटक। बात किए थे ना हम लोग चेटक की एक तो सिस्टर भी थी, और ये सिस्टर बेसिकली वो त्रिशला जिससे जो है महावीर स्वामी पैदा हुए थे, त्रिशला इससे महावीर स्वामी हुए थे। जैन धर्म में लिख देता हूं तो यहाँ पे इसका रुक जाएगा। एंड देन इसकी जो डॉटर थी, इसकी जो बेटी थी, उसका नाम था चलना, दिस इज चलना, और इसके साथ में बिंबिसार ने शादी किया हुआ था बिंबिसार, और इसका जो सन था, इसका जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम था अजात शत्रु, दिस इज अजात शत्रु, ठीक है। दूसरी शादी जो किया था इसने कौशल के साथ किया था, तो और कौशल और कुरु उस समय एक हो गया था। तो इस तरीके से यहां पर देखिए, इसको मैं मिलाते जाता हूं, ये जो इलाका है वज्जी के साथ में मगध का इलाका, ये पूरा इलाका बन चुका है किसका, ये बन चुका है बिंबिसार का। आगे इसने फिर किसके साथ शादी कर लिया है, ये शादी कर लिया है अगली कौशल के साथ, दिस इज कौशल। कौशल में उस समय जो राजा था वो राजा था प्रसेनजीत, दिस इज प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की अगेन जो सिस्टर थी, नाम था उसका महाकोशला, महाकोशला।
इसके साथ में शादी हो जाती है किसकी, अगेन बिंबिसार की, बिंबिसार की शादी हो जाती है। और इस तरीके से फिर नई टेरिटरी भी इसको मिल गई एंड दैट वाज द कौशल। तो हालांकि इसको मिल ही गया था बट एक तरीके से कह सकते हैं कि कुरु कौशल सारा ही इसी का इलाका हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है इनके शादी करने का सिलसिला। अच्छा, यहां से इनके पास दो लड़के होते हैं, अगेन एक का नाम रहता है भल्ल और एक का नाम रहता है बेहल, बेहल। ठीक है, हल एंड बेहल, दिस इज एच, हल एंड बेहल रहते हैं। और अभी बात करेंगे इसमें क्या क्या उसने किया था, हल एंड बेहल मतलब इसमें इनफैक्ट कहा जाता है कि बिंबिसार के मोर देन 10 सन थे, 10 से ज्यादा पुत्र थे इनके। तीसरी शादी जो इसने किया था वो किया था मद्र देश से, मद्र। अब ये मद्र कहाँ आता है, मद्र आती है कुरु के पास में, यहां पर मद्र थी पंजाब के पास, दिस वॉज मद्र। तो अगेन जो है देख सकते हैं कि ये साथ में कंटिन्यूएशन में ही इसने शादी की हुई थी। तो एक तरीके से इतना बड़ा इलाका तो मगध का बन चुका है, दिस इज द एरिया। और यहाँ पर मद्र देश में यहाँ पर अगेन एक राजकुमारी रहती है, प्रिंसेस रहती है, प्रिंसेस का नाम रहता है छेमा, दिस इज सी एच ई एम ए, छेमा रहता है। इनके साथ में ये शादी किए रहते हैं और एक और शादी किए रहते हैं, और ये राज्य के लिए नहीं ऐसे ही अपने मन मर्जी से शादी किए रहते हैं, और वो किए रहते हैं लिच्छवी से। तो लिच्छवी में एक और ये शादी किए रहते हैं और शादी का वन सेकेंड, शादी का यहाँ पर शादी किए रहते हैं और शादी जो किए रहते हैं वो एक नॉर्मल सी मतलब रहती है, प्रिंसेस बनकर नहीं रहती है। एंड दिस नाम रहता है आम्रपाली। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ शादियां कह रहते हैं जिसके थ्रू ये अपना पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो स्ट्रॉन्ग किए रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चीजें की रही होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये रूलर है। अच्छा, इसके कुछ नाम भी हैं, नाम भी याद रखिएगा। एक का नाम रहता है, इसको बुलाता है क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस इसका नाम रहता है, और ये मिलता है हमें मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके अलावा जैन लिटरेचर में भी इसका नाम मिलता है, नाम मिलता है श्रोणिक, श्रोणिक इसका नाम मिलता है, और ये जैन लिटरेचर में है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बिंबिसार से रिलेटेड है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट यहां पर चीज देखिए, ये अपना केवल और केवल मैरिज नहीं किया था, वन सेकेंड इरेज कर देता हूं मैं यहां पर ताकि दिखना शुरू हो जाए। ओके, तो इसके अलावा इसने क्या किया था, मैरिज के साथ साथ थोड़ी सी इसने कह लीजिए डिप्लोमेसी भी यूज की थी। कैसे किया था, इसने क्या किया था, अवंती का जो राजा था, अवंती का राजा था प्रद्योत, प्रद्योत की हालत खराब हो गई थी, मतलब कि इसको भी कोरोना पकड़ लिया था, और कोरोना पकड़ने के कारण मगध ने इसने क्या किया था, अपना एक जो वैद्य था, अपना जो डॉक्टर था उसको भेजा था, और भेज करके जीवक नाम था उसका, उसने क्या किया था उसको सही कर दिया, और इस तरीके से ये भी भाई साहब अलायंस में आ गया। तो अगेन ये इलाका और ज्यादा स्प्रेड कर गया। लास्ट में अशमक केवल था जो अलग था, हालांकि अशमक को भी अवंती ने जीत लिया था, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा अंपायर मगध का इतना ज्यादा फैल गया था। तो ये बेसिकली मगध इतना ज्यादा फैल चुका है। इनफैक्ट अशमक भी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर सूरसेन के साथ में, मत्स्य के साथ में इसके मैरिटल रिलेशंस थी। तो अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे इस पूरे के पूरे क्षेत्र में मगध का ही राज्य हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा स्प्रेड करके मगध बन चुका है। और ये कब हुआ था, बिंबिसार के ही टाइम पे सारा का सारा ये लोग कर लिए थे, आइडिया लग गया होगा बेसिकली एक। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मैरिज रिलेशन विद द डिफरेंट प्रिंसली फैमिलीज गिव इनॉर्मस डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज एंड पेव द वे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मगध वेस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड। दोनों साइड में ये लोग चले गए थे। द इंटायर वन सेकेंड इरेज कर देता हूं मैं। ओके, द अर्लिएस्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगीर। शुरुआत में इसकी राजधानी जो थी वो राजगीर थी, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन इसका नाम राजगीर नहीं था उस समय, इसको बोला जाता था गिरिव्रज। तो गिरिव्रज के नाम से उस समय पर ये फेमस था, और गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था। इट वॉज सराउंडेड बाई 5 हिल्स एंड चारों ओर में जो हिल्स थे, जितने भी राजपिपला और जितने भी हिल्स हैं वो इसके चारों ओर में थी। नाम याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी में आप लोग देखे हुए हैं, बस छोटी छोटी हिल्स हैं, इतना कुछ खास भी नहीं आती है। बिहार पीसीएस वाले लोग खाली पढ़ते हैं ये, आपको पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं है। द ओपनिंग विन विच वर क्लोज्ड बाय स्टोन वॉल्स ऑन ऑल साइड्स, दिस मेड राजगीर इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है बिंबिसार का वो आता है। अब बिंबिसार के बाद अगली कहानी आती है अजातशत्रु की, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया कैसे, क्योंकि इसके तो बहुत सारे बेटे हो रखे हैं। देखिए यहां पर होता क्या है, अजातशत्रु जो रहता है इसका बेटा, वो अजातशत्रु उसके दो कांड रहते हैं। एक कांड रहता है कि भाई वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहता है, यही इसका कांड है कि एम्बिशियस रहता है, और दूसरा इसका लव अफेयर चल रहा होता है किसके साथ, वजीरा के साथ।
और ये वजीरा कौन है, ये वजीरा है वही प्रसेनजीत की बेटी, प्रसेनजीत की बेसिक साथ में इसका लव अफेयर चल रहा होता है। जब बिंबिसार को पता चलता है तो मतलब प्रसेनजीत के द्वारा जब बिंबिसार को पता चलता है तो भाई ये होता है कि यार अजात शत्रु जो है तुम्हारा लड़का वो तुम्हारे हाथ से निकल गया है, देखो अपने मामा की बेटी के साथ में जो है लव अफेयर कर रहा है। तो बिंबिसार इसको समझाता है, समझाने के लिए अजात शत्रु क्या करता है, ज्यादा मत बोलो नहीं तो अभी तुम्ही को समझा देंगे। तो अल्टीमेटली अजात शत्रु क्या करता है, बिंबिसार को अटैक करवा देता है और बिंबिसार को फिर मतलब जेल कर अंदर डाल देता है। जेल के अंदर में इनकी माताश्री, माताश्री कौन है इनकी, चलना, इन्हीं की देखरेख कर रही होती हैं। तो बेसिकली ये होता है, अजात शत्रु को ये लग जाता है कि बिंबिसार इज नॉट इन फेवर ऑफ मी एंड बिंबिसार इज नॉट गोइंग टू कोरोनेट मी, मतलब कि अजात शत्रु का उत्तराधिकारी, अजात शत्रु का जो भी राज्याभिषेक होना है वो नहीं सोच रहा था कि उसका होगा, हो सकता है किसी और बेटे का ये कर दें। और एक्चुअली हुआ क्या था, इसके जो दो बेटे थे, एक का नाम था जो हल, हल एंड बेहल, इसको इसने वज्जी का इलाका दे दिया था कि जाओ भाई तुम लोग वहां पर राज्य करो। तो इससे इनको डर लग गया अजात शत्रु को कि हो सकता है कि पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो ना दे दिया जाए, तो इसलिए बिंबिसार को जेल कर देते हैं। लेकिन बाद में छलना इनकी मम्मी के थ्रू पता चलता है अजात शत्रु की कि बेटा तुमको पूरा राज्य दिया जा रहा था, केवल और केवल हल बेहल को ये इलाका दिया गया है ताकि ये लोग भी चुपचाप रहें, ये लोग भी किसी प्रकार से कोई विद्रोह ना करें। तो इस वजह से अजात शत्रु को पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो अजात शत्रु पहुंच जाता है। लेकिन बिंबिसार इतना ज्यादा दिल का कमजोर हो जाता है कि देखते हैं अजात शत्रु को, फिर ये इनका सिलेक्शन हो जाता है, इनको हार्ट अटैक आ जाता है और ये मतलब मर जाते हैं। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी स्टोरी, अगेन दिस स्टोरी कैन बी रॉन्ग, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, बट इससे क्या करना है आपको, आपको मतलब होना चाहिए कि बिंबिसार मर गए हैं, अब आ जाता है अजात शत्रु। तो इस तरीके से अजात शत्रु का सीन स्टार्ट होता है। तो आपको पता चल गया है कि इसकी पूरी एम्पायर क्या है, तो एम्पायर इसकी पूरी की पूरी स्प्रेड हो चुकी है, एंड दिस इज लाइक एम्पायर ऑफ द मगध, ये एम्पायर पूरा मगध का हो रखा है, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में यहां तक भी हो रखा था। इसके बाद आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु का जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है कुणिक, दिस इज कुणिक, ठीक है, के यू एन आई के, कुणिक मिलता है इनका राम। और ये अगेन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर रहता है, मतलब ये अपने डायनेस्टी को समझ लीजिए कि गोल्डन पीरियड में लेकर के आता है, इतना ज्यादा ये स्ट्रांग रहता है। अगेन इनके शादी के बारे में बात करें, मैरिज के बारे में, तो इसने भी दो शादियां की रहती हैं, एक किया रहता है वजीरा के साथ में, इसका तो ये भाई लव अफेयर है तो वजीरा के साथ में किया रहता है, और इस तरीके से ये कौशल कुरु का इलाका जो रहता है वो इसके अंडर में आ चुका होता ही है। इसके अलावा एक और शादी किया रहता है जिसका नाम रहता है पद्मावती के साथ में, पद्मावती, ठीक है। तो ये दो शादियां बेसिकली किया रहता है, तो एक तो कौशल के साथ ही किया हुआ है, दिस इज कौशल, और इस तरीके से कौशल, कुरु और जो आपका मगध है ये मिलाकर के एक साथ हो जाता है। यहां पर अल्टीमेटली मगध के कंट्रोल में कौशल कैसे आती है, कौशल के कंट्रोल में, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टोरी पढ़ी थी कि कुरु दिया गया था, काशी दिया गया था मगध को कि लो भाई गिफ्ट के रूप में बिंबिसार को दे दिया गया था प्रसेनजीत के द्वारा, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब अजात शत्रु ने अपना कांड किया था तो अजात शत्रु से फिर काशी वापस ले लिया जाता है। लेकिन बाद में अल्टीमेटली अटैक करके, शादीवादी जब अटैक कर लेता है तो अजात शत्रु को वापस से काशी दे दिया जाता है। फिर प्रसेनजीत चले जाते हैं अपना शाक्य, शाक्य किंगडम में, और वहां पर वो बुद्ध के ही अंदर चले जाते हैं, चलो भाई हमको शांति वगैरह दे दो। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका जो कौशल राज्य है वहां पर, वहां का सेनापति कुछ इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दिया है, जिसके कारण से प्रसेनजीत को वापस आना पड़ता है। प्रसेनजीत को फिर लगता है कि भाई मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तो इस कारण से चला जाता है वो मगध के एम्पायर अजात शत्रु के पास प्रोटेक्शन लेने के लिए। लेकिन रास्ते में ही सर्दी खांसी बुखार, और फिर अल्टीमेटली जो प्रसेनजीत की कहानी है वो भी वहीं पर स्टॉप हो जाती है, फुल स्टॉप वहां पर लग जाता है, और इस तरीके से प्रसेनजीत खत्म हो जाते हैं। और फिर अल्टीमेटली अजात शत्रु जो है वो अटैक करके, अटैक क्या करके मतलब अपने राज्य में ही मिला लेता है जो कौशल और काशी का एरिया है। तो इस तरीके से कौशल और इलाका ये पूरा का पूरा वापस से मगध, मतलब कि इसके कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा इलाका होता है लिच्छवी का वैशाली। यहां पर क्या है कि यहां पर भेजा किसको है, वज्जी में किसको भेजा है, बिंबिसार ने भेजा था इसका जो बाकी के बेटे थे हल एंड बेहल को भेजा था। इस हल और बेहल को जब
पता चलता है, क्योंकि देखिए ये इलाका काफी ज्यादा प्रॉस्परस इलाका रहता है, काफी ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा होता है यहाँ से। तो जब पता चलता है कि इसको अजातशत्रु को कि यार वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉस्परस है, तो ये क्या करता है कि अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। देखिए एक सबसे बुरी चीज होती है वो पावर की भूख होती है, द हंगर ऑफ पावर, बहुत बुरी चीज होती है और ये काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रही होती है और ये हर एक एम्परर में आएगी, चाहे वो हर्षवर्धन हो चाहे कोई भी हो। आगे हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके, अशोक में थी इसी तरीके से, हर्षवर्धन में भी थी, हर एक डायनेस्टीज में, हर एक एम्परर में आपको देखने को मिलेगा। लाइक अजातशत्रु, ये भी जो है पावर का भूखा था, इसने क्या किया हल और विहल के लिए, इसने पहले तो बात किया लेकिन जब बात से बात नहीं बनी तो अजातशत्रु ने स्पाई भेजा और स्पाई भेज करके वहां पर इनस्टेबिलिटी क्रिएट की और अल्टीमेटली 16 साल के बाद इस इलाके को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरीके से अगेन फिर इसका जो इलाका है काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए ये जो पद्मावती वाली कहानी है, अगेन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको भी जरा सुन लीजिए आप लोग। क्या होता है, होता ये है कि यहाँ पर है अवंती, दिस वॉज द एरिया, अवंती का एरिया होता था और ये जो अवंती का एरिया था ये रिलेशन बना के रखा हुआ था बिंबिसार के साथ में, लेकिन बिंबिसार जी जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ही इनका रिलेशन, फिर अजातशत्रु के साथ सबका रिलेशन बहुत खराब रहता है, ये बहुत खतरनाक आदमी रहता है। तो अजातशत्रु के साथ में जब रिलेशन इसकी खराब होती है तो फिर क्या होता है, अजातशत्रु के साथ में वापस एक कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली दोनों जो है कह लीजिए कि अटैक होता है और अल्टीमेटली अजातशत्रु जो है अवंती को वापस से मगध में मिला लेता है। अजातशत्रु के पास में एक पावरफुल वेपनरी रहती है और वो वेपनरी कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए ये है वेपनरी जिसका नाम रहता है महाशिला कंटक, इसका नाम रहता है महाशिला कंटक और इसके थ्रू यहां पर जो होता है वही मतलब रखे आते थे जो भी माउंटेन्स की या जो भी रॉक पार्टिकल्स होते हैं या रॉक के कह लीजिए कि जो है बोल्डर रखे जाते थे और फिर फेंके जाते थे। और एक दूसरा भी था भल्लाल देव वाला, देखिए आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाहुबली, वहां पर भल्लाल देव ये यूज करता है, इसको बोला जाता है रथ मूसल, दिस वॉज रथ मूसल और ये जो है अगेन ये इसके वेपनरी में आती थी और इस तरीके से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपनरी थी इसकी और ये पूरा का पूरा सिस्टम था। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लिया जाए तो देखिए वन सेकंड लेट मी क्लियर दिस। तो अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ थ्रू आउट हिज रीन, ही पर्स्यूड अ एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो ये पूरी चीज थी जो हम लोगों ने पूरा सिस्टम देख लिया। आगे अगर बात किया जाए तो अगेन देखिए ये बाद में थोड़ा मोड़ा जो होता है वो थोड़ा सा आध्यात्म की ओर जाता है और अल्टीमेटली जो है जितने भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह है वो करवाता है 483 BC में, अल्टीमेटली ये बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है। फिर इसके बेटे होते हैं नियर अबाउट 10, इसके भी लड़के होते हैं और फिर आ जाता है इसमें उदयन। उदयन क्या करता है कि अगेन अपने फादर को ये भी मारा रहता है और इसी वजह से इस पूरे डायनेस्टी को, इस पूरे हरियक डायनेस्टी को ही बोला जाता है कि दे आर द किलर्स ऑफ देयर फादर्स, किलर्स ऑफ देयर फादर, या हिंदी में इसी को बोलते हैं पितृहंता, पितृहंता। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। यहां पर देख लेते हैं क्या चीज है। देखिए महावंश एक अगेन पुराण है, उसके हिसाब से जो उदयन है इसने नियर अबाउट 16 इयर्स जो है वो कह लीजिए अपना शासन किया हुआ है। अगेन इसका जो है एक इंपॉर्टेंट इसने काम किया है और वो किया है जैसे यहां पर गंगा रिवर निकल रही है और यहां पर सोन रिवर निकल रही है और यहीं पर उसने एक नए सिटी का डेवलपमेंट किया था जिसका नाम था पाटलिपुत्र और ये पाटलिपुत्र आज की डेट में पटना के नाम से जाना जाता है। तो इसने पाटलिपुत्र बेसिकली एक नई नगर इसने एक नया खोला था। इसके अलावा उसने जैन धर्म वाले लोगों के लिए भी अलग अलग काम करवाया था, उनके रुकने के लिए चैत्य और उनके लिए विहार बनवाया हुआ था। ये चैत्य और विहार क्या होता है ये लोग हम लोग अपने जैन रिलीजन वाले पोर्शन में करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक ठहरने के लिए, रुकने के लिए एक तरीके का एक कह लीजिए कि रूम हुआ करता था, चैत्य विहार, ठीक है। फिर उसके बाद से जो अवंती का जो राजा था, जो अवंती यहां पर है वो अवंती ऑब्वियसली उसको किसने हराया है, इसी के पिता ने हराया है, तो अब राइवलरी स्टार्ट हो चुकी है। तो राइवलरी स्टार्ट होने के कारण से उदयन का भी अगेन ये एनिमी था और इस कारण से अगेन उदयन को मारने के लिए हमेशा लगा रहता था। अब अगेन कोई ना कोई जो होता है यहाँ पे मुखबिर बनेगा ही बनेगा। तो ऐसा कहा जाता है पुराणों के अनुसार उदयन के बाद एक और नंदीवर्धन और महानंदिन करके राजा बनते हैं, लेकिन परिशिष्ट पर्वन भी अगेन एक लिटरेचर और उसमें बताया गया है कि उदयन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब उसका कोई भी आगे उसके वंश का नहीं था। हालांकि महापद्मनंद और मतलब महानंदिन और नंदीवर्धन जो है वो आगे शिशुनाग डायनेस्टी में आते हैं, बट
ऐसा कहीं कहीं मिलता है कि वो इसी डायनेस्टी के ही लोग थे। चलिए खैर, तो इसमें बात कर लेते हैं। मैंने दो लिटरेचर के बारे में बताया, एक लिटरेचर का मैंने नाम बताया हुआ है, एक तो पुराण के कारण से ही मिलता है, पुराणाज में ही मिलता है, एंड दैट इज द महावंश, और दूसरा एक और मैंने बताया हुआ है, दैट इज द परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। ये दो लिटरेचर हैं इनके हिसाब से, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हिजरीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही बिल्ड द फोर्ट अपॉन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन एट पटना। दिस वॉज डन बिकॉज पटना ले इन द सेंटर ऑफ मगधन एम्पायर, ठीक है। देखिए उदयन के बेसिकली जो उदयन था उसके तीन बेटे थे, एक का नाम था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, ठीक है। दूसरे का नाम था मुंडक और तीसरे का नाम था नाग दशक, एंड नाग दशक वॉज द लास्ट रूलर। नाग दशक जो है वो अंतिम रूलर था, लेकिन अगेन जो होता है यहां पर ये एक इनकैपेबल रूलर था, जिसके कारण से जो जनता थी वो नाग दशक को हटा करके अल्टीमेटली शिशुनाग को राजा बना देती है। शिशुनाग इस तरीके से एक शिशुनाग डायनेस्टी की नई नींव लगाता है, नया फाउंडेशन लेकर के आता है। इज द फाउंडेशन ऑफ या फिर फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी इन द मगध अम्पायर। समझ में आ गया क्या केस है? तो एक तरीके से हम लोगों ने एक डायनेस्टी के बारे में क्लियर कर लिया, हर एक डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं शिशुनाग के बारे में। तो उदयन वॉज द सक्सीडेड बाई डायनेस्टी ऑफ शिशुनाग। एक्चुअली उदयन नहीं, उदयन के बाद एक और जो ये नाग दशक है इसके बारे में याद रखिएगा। नाग दशक ये जो है वो बेसिकली लास्ट रूलर था, सक्सीडेड बाय द डायनेस्टी ऑफ शिशुनाग हु टेम्पररली शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली। जैसे अभी नाग दशक ने, सॉरी उदयन ने अपनी राजधानी कहां बनाई हुई है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उसने नया सिटी बनाया था और अल्टीमेटली उसने राजधानी बना ली थी, लेकिन जैसे ही शिशुनाग आता है वैसे ही अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है वापस से वैशाली, वैशाली को शिफ्ट कर लेता है। इससे पहले कहां राजधानी रहती है? इससे पहले राजधानी रहती है राजगीर। तो राजगीर, राजगीर टू पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र टू अगेन वैशाली, वैशाली को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती विद इट्स कैपिटल एट उज्जैन। और इस तरीके से अवंती पर भी अटैक करके अवंती को भी अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। और इस तरीके से जो 100 सालों की जो राइवलरी रहती है, मतलब बिंबिसार के बाद अजात शत्रु से लेकर के उदयन नाग दशक वाली जो राइवलरी रहती है वो खत्म हो जाती है, और इस तरीके से जो अवंती है वो इस मगध एम्पायर में मिल जाती है। अवंती के अलावा एक और है वत्स, वत्स जो है ये भी इसी में मिल जाती है, और वो करता कौन है? अगेन शिशुनाग ही ये काम किया रहता है। तो शिशुनाग जो है दो एरिया को कंट्रोल किया हुआ है, वन इज द वत्स, अदर वन, अनदर वन इज द अवंती। इन दोनों को अपने कंट्रोल में लेकर के अपने अंडर में रख लिया है। शिशुनाग के बारे में देख लीजिए, वॉज द विक्ट्री वायसराय ऑफ काशी। वायसराय था वहां का सामंत, तो बोलते हैं इसको हिंदी में, तो वायसराय था आफ्टर बिकमिंग किंग ऑफ मगध, एंड द कैपिटल वॉज गिरिव्रज, वही आपकी जो राजगीर थी। एंड ही एनेक्स्ड अवंती एंड ब्रॉट टू एन एंड द लॉन्ग राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती, लेटर शिफ्टेड टू द कैपिटल टू वैशाली, वैशाली को बाद में रख लिया था। अच्छा, इस शिशुनाग डायनेस्टी में अगला जो रूलर था इस शिशुनाग के बाद उसका नाम था कालाशोक, या फिर इसी को बोलते हैं काकवर्ण, दिस इज काकवर्णा, ये दूसरा रूलर था। और इसका जो टाइम पीरियड है वह है बेसिकली 394 BC से लेकर के 366 BC तक। अगेन ये भी जो था वो अपनी राजधानी, जो पहले, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले राजधानी कहां थी? राजगीर थी। राजगीर से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र हुई, पाटलिपुत्र हुई, देन उसके बाद से ट्रांसफर होकर के वैशाली गई, जिसको शिशुनाग ने किया। इसने क्या किया? वापस से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र लेकर के आया। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये सब चीजें पूछी आती है। तो इसने सेकंड टाइम वापस से पाटलिपुत्र कर दिया। इसने एक और काम किया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि हुई थी 383 BC में। इससे पहले कब हुई थी? 483 BC, जो आपका अजात शत्रु था उसके टाइम पे हुआ था, और ये 383 BC 100 ईयर्स के बाद में दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया था। इसके अगेन जो होता है इसको मार दिया गया था, और मार देने के बाद फिर अगला रूलर नंदीवर्धन बनता है। नंदीवर्धन के बाद नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है वो आती है नंद डायनेस्टी, उसके बारे में भी फटाफट डिस्कस करेंगे। पहले कालाशोक को दे लेते हैं। तो ही वाज द सन ऑफ शिशुनाग, कालाशोक हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्र। ही कंडक्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड ही वाज किल्ड इन अ पैलेस, मतलब छुरा से मार दिया गया था, मतलब फाइलर से मारा गया था, एंड इन अ प्लेस रिवोल्यूशन दैट ब्रॉट द नंद डायनेस्टी टू द थ्रोन। हालांकि अगेन देखिए, इस कालाशोक के बाद एक और
बंदा मतलब कि एक और एम्परर आता है शिशुनाग डायनेस्टी का ही, जिसका नाम रहता है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। और इसी के बारे में बात किया जा रहा था कि हर्यक जो डायनेस्टी थी उसका लास्ट रूलर, ऐसा मिलता है कि नंदीवर्धन रहा होगा। नहीं, नंदीवर्धन जो होता है परिशिष्ट पर्वन के हिसाब से, अगेन द लिटरेचर, शिशुनाग का लास्ट रूलर रहता है जिसका नाम रहता है नंदीवर्धन, या इसी का दूसरा नाम रहता है महानंदिन, महानंदिन। ठीक है, दोनों ही इसी के नाम है। और ये जो नंदीवर्धन रहता है बहुत ही इनकैपेबल रूलर रहता है, और इसके कारण से ये खत्म हो जाता है यहां पर, और अल्टीमेटली फिर जो है दूसरा नंद डायनेस्टी आ जाती है। तो अगली बात क्या आती है, कौन सी, नंद डायनेस्टी, इसके बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर बेसिकली टोटल 9 रूलर्स हुए हैं, टोटल 9 रूलर्स, और इसी वजह से समटाइम्स इसको नव वंश भी बोलते हैं। ठीक है, नव वंश भी इसको बोला जाता है, 9 डायनेस्टी होती है। शिशुनाग वाज सक्सेडेड बाय नंद, हु प्रूव्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध। सो ग्रेट वॉज द पावर दैट अलेक्जेंडर हु इन्वेडेड पंजाब एट दैट टाइम डिड नॉट डेयर टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, इनफैक्ट अलेक्जेंडर के बारे में। यहां पर एक रूलर रहता है जिसका नाम रहता है महापद्मनंद, महापद्मनंद, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बेहतरीन रूलर रहता है। द नंदाज एडेड टू द मगधन पावर बाय कॉन्करिंग कलिंग फ्रॉम दी ब्रॉट एन इमेज ऑफ जिन एज अ विक्ट्री ट्रॉफी। तो इस तरीके से ये कलिंग को भी जीत लेते हैं, जिसकी हाथियां एलिफेंट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। ऑल दिस टुक प्लेस इन द रीन ऑफ महापद्मनंद, ही क्लेम्ड टू द एकराट। मतलब कि ये जैसे क्या होता है, जब कोई रूलर, कोई एम्परर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो अपने ग्रेटनेस में अलग अलग इस तरीके के टाइटल्स लेकर के आता है। जैसे इसने टाइटल लिया हुआ था जैसे एकराट, इसके अलावा एकराट के अलावा और भी बहुत सारे टाइटल्स थे, जैसे सम्राट हो गया, या फिर इस तरीके के बहुत सारे टाइटल्स ये एम्परर लोग रखते थे इन देयर ग्रेटनेस। अब आते हैं हमारे महापद्मनंद के बारे में। पहले रूलर होते हैं और इनका जो रीन होता है वो 344 BC से लेकर के 322 BC तक रहता है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है और इसने अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग किया रहता है। इसका जो टाइटल है उसको बोला जाता है सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, जैसे सर्व छत्रांतक, छत्रियों को मारने वाला बेसिकली इसको बोला जाता है, सर्व छत्रांतक है। इसके अलावा भार्गव भी बोला जाता है, एंड भार्गव वॉज द सेकेंड रीबर्थ कह सकते हैं, रीबर्थ ऑफ परशुराम। इन्होंने भी क्षत्रियों को मारा था, अगेन इन्होंने भी क्षत्रियों को मारा है। तो महापद्मनंद के बारे में अगर बात करें, ही इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। अगेन काफी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहता है, इस वजह से इसका नाम इस तरीके से मिलता है। ही मर्डर्ड कालाशोक टू बिकम द किंग, और एक्चुअली कहा जाता है कि ये शूद्र महिला से पैदा हुए थे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मगध एम्पायर में एक मिक्स ब्लड बेसिकली चल रहा है। His origin was not clear. According to the Puranas, he was the son of the last Shishunag king from a Shudra woman. तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि Shishunag king का हो सकता है Shudra woman के साथ में कोई relation रहा होगा, and then Mahapadmanand came into picture as some text से, जैसे Greek के कुछ Jain text है या Greek writers है, उनके द्वारा भी कहा गया है कि ये basically एक barbar या courtesan के द्वारा के का पुत्र या फिर उनके सन हुआ करते होंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ही इज नॉट बेसिकली फ्रॉम द सेम क्लैन ऑफ जो चल रही थी डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, उस सेम क्लैन से नहीं बिलोंग करते हैं, अलग बेसिकली हैं। हिज रीन वॉज 367 टू 338, मतलब अलग अलग बुक्स में अगेन अलग अलग है, बस आप देख सकते हैं कि दिस इज द थिंग। और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एट, जो अभी हम लोगों ने बात किया, सर्व क्षत्रिय हंता, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियाज, और एकराट की भी इन लोगों ने, इन्होंने कह लीजिए टाइटल लिया हुआ था। हिज एम्पायर ग्रीव अंडर हिज रीन, ही रैन फ्रॉम कुरु कंट्री इन द नॉर्थ टू द गोदावरी वैली इन द साउथ, फ्रॉम द मगध इन द ईस्ट टू द नर्मदा। अगेन जो होती है पूरा का पूरा इलाका जो है वो जीत करके रखा हुआ था। देखिए जैसे हम लोगों ने देखा था बिंबिसार के टाइम पे भी यही था, होता क्या है कि बिंबिसार के साथ में ये रिलेशन बेसिकली, ये जो जैसे एक तरीके से कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, सिमिलरली अलायंस को यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो मान के चलते हैं हमारा होगा। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज है कि मगध अंपायर है, मगध का हो सकता है केवल इतना ही एरिया होगा, बट इन्होंने अपने अलायंस के जरिए पूरे इंडिया में एक तरीके से कॉन्कर कर रखा है, तो ये बेसिकली अलायंस का पार्ट है। अगेन द महापद्मनंद, इसने भी अलायंस के फॉर्मेट में इतना ज्यादा एरिया बना करके रखा हुआ था। ही कॉन्कर्ड मेनी किंगडम्स इंक्लूडिंग कलिंग, और कलिंग पर जब उसने विजय प्राप्त की थी, मतलब कलिंग को जब उसने जीता था, तो यहां पर एक हाथी गुम्फा रेलिक मिलती है, हाथी गुम्फा, एक
रॉक एडिक्ट मिलती है, रॉक एडिक्ट, और यहां से पता चलता है बेसिकली कि इसने जो है वो कलिंग को जीता हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाथी गुंफा जो होता है वो फर्स्ट रॉक एडिक्ट है, पता चलता है जहां से अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में। लास्टली हमारे आ जाते हैं घनानंद, और घनानंद जो होता है वो 322 BC में बेसिकली जो होता है राजा बनता है, और ये घनानंद को ही मार करके अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डायनेस्टी को लेकर के आता है। ही वॉज द, घनानंद वॉज द 9th रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी एंड ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी का ये लास्ट रूलर था, ही वॉज द लास्ट रूलर। ही रेफर टू एज अग्रम्स और जैंड्रम्स इन द ग्रीक लिटरेचर, वो इसलिए क्योंकि 325 BC में अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, और ये अलेक्जेंडर का अटैक बेसिकली वेस्टर साइड से हुआ था, तो अलेक्जेंडर के अटैक के कारण से ग्रीक था। अब ग्रीक लिटरेचर्स में तो लिखा ही जाएगा, तो बेसिकली ग्रीक लिटरेचर्स में भी इसका एक्सप्लेन, इसका नाम वगैरह मिलता है। तो अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग हिज रीन, बट ही कुड नॉट प्रोसीड टुवर्ड द गैंगटी प्लेन बिकॉज ऑफ हिज आर्मीज रिफ्यूजल। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अलेक्जेंडर ने किस तरीके से कॉन्कर किया था, अलेक्जेंडर का क्या पूरा एरिया था, कैसे वो आगे बढ़ा, क्या हुआ, क्यों नहीं वो इंडिया में अंदर आया, और क्या दिक्कतें सामने आई थी इसके पास। ही इन्वेडेड अ ह्यूज Empire from his father, he possessed a standing army of 2 lakh infantry, 20,000 cavalry and 3,000 elephants and 2,000 chariots. He became a powerful ruler because of his this. He is said to be one of the 8 to 9 son of Mahapadmanand. तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा सिस्टम को देखा, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये पूरा जो घनानंद का इलाका है वो खत्म हो जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य का अटैक होता है। एक्चुअली होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर रहता है चाणक्य, उसकी ये एक तरीके से कह लीजिए कि उसको उसकी बेइज्जती कर देता है, जिसके कारण से चाणक्य जी जो होता है मन ठान लेते हैं, और फिर उसके बाद से कहते हैं कि अब खत्म करके रहेंगे, तो इस वजह से पूरा का पूरा सीन हो जाता है। तो ये बेसिकली जो होता है पूरा का पूरा सिस्टम था। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जैन धर्म का कह लीजिए कि अनुयायी था, मतलब जैन फॉलोअर था, और जैन फॉलोअर के कारण से यहाँ पर बहुत सारे जैन अमात्यों को भी इसने जगह दी हुई थी, और बहुत सारे कह लीजिए कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे वर्ष हो गए, उपवर्ष हो गए, वर रुचि, कात्यायन, तो नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे वर रुचि, रुचि CHI वर रुचि हो गए, इसके अलावा वर्ष, उपवर्ष, उपवर्ष, वर रुचि हो गए, और लास्टली एक कात्यायन, कात्यायन, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इसके राज दरबार में थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट इनका नाम याद रखिएगा, एक आध बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ही फाइनली वॉज थ्रोन बाय द ओवरथ्रोन बाय द चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर द वॉर, और इस तरीके से इनका पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, और हमारी क्लास भी आज की खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।